तो कैसे हो मेरे प्यारे बंधु। तो गाइस आज मैं बनाने वाला हूँ वन ऑफ दी इजीएस्ट एंड ऑटोमेटिक कोबलस्टोन फार्म, जो कि तुम्हारे माइनक्राफ्ट के पॉकेट एडिशन, बेडरॉक एडिशन एंड जावा एडिशन तीनों के अंदर ही वर्क करने वाला है। तो अगर तुम भी कोई कोबलस्टोन फार्म ढूंढ रहे थे अपने वर्ल्ड के लिए, तो भाई ये वीडियो तुम सबके बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो गाइस जो भी मटेरियल आपको चाहिए वो आपको भी आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो आप लोग चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो गाइस सबसे पहले आपको फार्म बनाने के लिए आपको कोई भी ब्लॉक लेना है, और आपको जो यहाँ पे 3x3 का स्क्वायर बनाना है, जैसे कि यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, और इसको आप लोग को इस तरह से बंद कर देना। बस बीच के एरिया में कोई भी ब्लॉक नहीं होना चाहिए। फिर एक ब्लॉक का गैप लेके आपको भाई यहाँ पे ना वापस से 3x3 का एक स्क्वायर बनाना होगा, और उसमें आपको जो सेंटर वाला ब्लॉक है वो आपको खाली छोड़ देना, जैसे कि मैंने ऐसा बना दिया है। अब जैसे इतना रेडी हो जाएगा, इसके बाद ये कुछ इस टाइप का देखने में लगेगा। पर अब आपको जो लेना है लावा बकेट, और आपको जो है एक के अंदर डालना है लावा बकेट और दूसरे में डालना है आपको यहाँ पे वाटर बकेट। कि अपना जो है भाई सिंपल वाला मैकेनिक्स बन के रेडी हो चुका है हमारे कोबलस्टोन फार्म का। पर इतना ये अभी खत्म नहीं होता है, जैसे इतना रेडी हो जाए इसके बाद ये कुछ इस टाइप का देखने में लगेगा, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसके बाद आपको सिंपली जो है जाना है इस तरफ, और यहाँ पर आपको जो है लगाना है एक स्टिकी पिस्टन। यस गाइस स्टिकी पिस्टन लगाना है, तो फटाफट से मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे भाई आपको एक ही स्टिकी पिस्टन की जरूरत पड़ने वाली है, तो भाई फटाफट से इसको इस तरीके से लगा देना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लगा दिया है। अब जैसे इतना रेडी हो जाए इसके बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको जो वाटर वाला एरिया है आपको उसके सामने के ब्लॉक को तोड़ देना है, और यहाँ से जो है वाटर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको उसके नीचे वाला ब्लॉक भी तोड़ देना है, और यहाँ पे इस वाले वाटर को ब्लॉक कर देना है। अब भाई जैसे हम लोग इस वाले ब्लॉक को वापस से तोड़ेंगे, तो हमारा वाटर जो है बाहर की तरफ नहीं निकल रहा, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, और ये हमारा सिंपल मैकेनिक्स बनकर रेडी हो चुका है। अब जो हमें ये वाला ब्लॉक तोड़ देना है, और अभी जो है कुछ इस टाइप का देखने में लगेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब बारी है रेडस्टोन वर्क की, जो कि और भी ज़्यादा सिंपल है। तो मैं सिंपली बस इस तरीके से रेडस्टोन लगा देना है, और हमारा रेडस्टोन का भी सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब भाई तुम्हें सिंपली लेना है यहाँ पे सिंपल पिस्टन, स्टिकी पिस्टन मत ले लेना, और तुम्हें यहाँ पे जो है 7 पिस्टन लगा देना है एक ही लाइन के अंदर में, जैसे कि यहाँ पे मैं भी लगा रहा हूँ। और जैसे तुम्हारे 7 लग जाए, फिर तुम्हें जितना एरिया उसे क्लीन कर देना है, और 7वें पिस्टन के जस्ट नीचे वाले ब्लॉक को तुम्हें तोड़ना है, और यहाँ तुम्हें लगाना है भाई एक रेडस्टोन टॉर्च। यस गाइस बस एक ही रेडस्टोन टॉर्च लगानी है। अब भाई जैसे इतना फार्म रेडी हो जाए, हमारा फार्म 90% रेडी हो जाएगा, फिर तुम्हें यहाँ पे सिंपली जो है रेडस्टोन लेना है, और इसे ना रोटेट करते हुए सभी पिस्टन के पीछे से होते हुए लेके जाना होगा। और भाई यहाँ पे जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, तुम्हें भी सेंटर में इस तरीके से करना है। और ये हमारा फार्म फुल्ली रेडी हो चुका है। अब एक बार ना हम लोग इसे टेस्ट भी करके देखेंगे, पर उससे पहले अपना रेडस्टोन का जितना भी वर्क है तुम लोग उसे एक बार टेस्ट जरूर से करना। तुम्हें सिंपली एक रेडस्टोन का ब्लॉक लेना, उसे भाई पिस्टन के सामने प्लेस कर देना है, और देखो ये कुछ इस टाइप से चलने लगेगा। गैस गैस ये ऐसे चलना चाहिए, इसे रोकने के लिए तुम्हें सिंपली जो है एक रेडस्टोन डस्ट को हटाना होगा, और ये रुक जाएगा। अब भाई ये वाला फार्म अपना सही से वर्क कर रहा है, तो अब सिंपली हमें जो है लावा वाला एरिया का ब्लॉक तोड़ना होगा, ताकि यहाँ पे कॉबलस्टोन बनना स्टार्ट हो जाए, और ये जो हमारे रेडस्टोन का ब्लॉक है ये इसे पुश करना स्टार्ट कर दे। वापस से रेडस्टोन डस्ट लगाओ, और ये फार्म अपना रेडी हो चुका है, और इसने काम करना भी स्टार्ट कर दिया है। और ऐसा नहीं है कि ये जो हमारे कॉबलस्टोन है ये सीधे सीधे निकल जाएंगे, ये जो हमारी सिंपल पिस्टन है भाई ये भी इसे आगे की तरफ पुश कर रहे हैं, जैसे कि तुम्हें दिख रहा होगा। और तुम लोग चाहो तो इसे अपना फ्लोर बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट मेथड है। और भाई देखो एकदम मस्त तरीके से वर्क कर रहा है, ये तुम्हारे वर्ल्ड को ज़्यादा लैग भी नहीं करेगा, तो भाई तुम लोग इसे ईजिली बना सकते हो। और बार यार एक दिक्कत की बात ये है कि यहाँ पर जो कॉबलस्टोन है वो तुम्हें खुद ब खुद मैनुअली तोड़ना पड़ेगा, बाकी सब एकदम ऑटोमेटिक चलने वाला है। तो गाइस यही था हमारा आज का फार्म। और भाई तुम्हें ये वाली वीडियो कैसी लगी एक बार जरा फटाफट से कमेंट्स में जरूर से बताना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से आके वीडियो को लाइक कर दो, साथ में जाके चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो जाके कर दो, अब से रेगुलर कंटेंट आने वाला है। और भाई इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, चाहो तो वहाँ जाके फॉलो कर सकते हो। साथ साथ में आप मेरे चैनल पे पूरी माइनक्राफ्ट फार्म्स की प्लेलिस्ट है, उसका भी लिंक मैं तुम्हें दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में, बाकी एंड स्क्रीन में भी तुम्हें जो है पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो मिलता हूँ मैं तुम सबको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड स्टे सेफ।